अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। तो मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक मरतबा फिर, और आज हम लेंगे पब्लिक रिव्यू पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के बारे में। आइए जानते हैं लोगों से कि लोग क्या समझते हैं कि पाकिस्तान आने वाले वक्तों में कैसा खेल पेश करेगा, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने वाला है कल, उसके बारे में भी आज जानते हैं। आइए तो सर, क्या कहते हैं आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में, क्या है बांग्लादेश को पाकिस्तान हरा पाएगा और सेमीफाइनल में क्या अपनी रसाई को हासिल कर सकेगा? बस बांग्लादेश को ही हरा पाएगा। अच्छा, बचा गया उसके बाद। चले कम से कम ये तो कहना आपके बांग्लादेश को हरा देगा, और अगर उनको भी नहीं हरा पाया मानी तो अगले साल के वर्ल्ड कप में नहीं होगा। अगले साल होगा ही नहीं ना वर्ल्ड कप, चार साल बाद है। वही स्टूडेंट मीन संडे टू मंडे होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मीन वही अगले वर्ल्ड कप में नहीं आ पाएगा। और अगर नहीं आया ना तो जैसे वेस्ट इंडीज कट गया ना, समझ ले वैसे ही है। यानी कि आने वाले वक्तों में ऐसा होगा। अभी आप देखो सर फराज को, माशाल्लाह उसने पाकिस्तान को कायदे आजम ट्रॉफी देखे, 12 टीमों में से 8 टीमें रह गई, कल 6 रह जाएंगी। सर नहीं, सरफराज अगर आ जाता है तो हो सकता है कि आमिर और इमाद वसीम की वापसी हो जाए और टीम की एक अलग परफॉर्मेंस हो। कोई कुछ काम नहीं करता, उसमें काम लेने का टैलेंट होता है। बिल्कुल लेने का टैलेंट आया, समझ ले तुम अपनी फैक्ट्री में लेते हो काम लेने का टैलेंट। और अगर चाहिए, अच्छा ऐसा है कि हमें तीनों मैच जीतने और न्यूजीलैंड ने भी हारने, चलो हम मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है भाई। न्यूजीलैंड को हारना है और श्रीलंका को हारना है, और एक काम करो मैं तो बोल रहा हूँ सारी टीमें तबाह कर दो। अच्छा नहीं चलो, अच्छा एंड में ना हर वर्ल्ड कप में ज्यादातर में आपने भी सुना हुआ यही होता है, यही होता है अल्लाह पाक वाली टीम हार जाए तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, अल्लाह पाक वाली टीम हार। अच्छा एक सिचुएशन और होती है रन रेट की, हाँ अगर पहुंच भी गए तो रन रेट में हार जाएंगे, रन रेट में पीछे हो जाएंगे। बहरहाल पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है, इनको एयरपोर्ट पे आके गोलियां मार दे, गोलियां मार दे, हां घटिया परफॉर्मेंस जैसा। चलो हम लोग इतवार को खेल लेते यार, अच्छा ये मतलब अगर पाकिस्तान हार जाता है ये सेमीफाइनल में नहीं जाता तो तदफीन कब है? तदफीन कब के बात करते हैं यार, जलाएंगे, बस जलाएंगे, जलाएंगे कब देखेंगे पहले हिंदू और खाकर आ गए ना, जलाएंगे इंडिया में, जला साला इनका टीम ही तोड़ देगा। ठीक है भाई, सही है, तीन दो रन चेज नहीं कर पाते, पहली बैटिंग आ जाए तो 300 रन बना नहीं पाते। सही 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 कह रहा हूँ, टीम में खेल रही है पाकिस्तान का वरना नाम था पाकिस्तान, अच्छे रन बना के सेमीफाइनल तक जाता था। दूसरी टीमें डरती थी पहले पाकिस्तानी टीम से, दूसरी टीमें डरती थी, अब हम डरते हैं, अब हम डरते हैं दूसरी टीमों से। बिल्कुल ऐसे ही है, अब बांग्लादेश से कल मैच हार जाए जीत जाए हम तो भाई अपना रक्षा चलाते रहेंगे। यानी कि आपको क्या लगता है, आपकी कोई तो एक्सपेक्टेशन होगी? एक्सपेक्टेशन देख के दिल जलाने वाली बात है भाई, मैच नहीं देखना, मैच ही नहीं देखना, क्या कह रहे हैं मैच ही नहीं देखना, हार जाएगा फायदा, पूरे दिन मैच देख के बैठ जाया करो, और बंदा अपने दिल जला भी लगा, मतलब सेमीफाइनल में पाकिस्तान के आपको नहीं लगता चांस है? नहीं जीतता, कल का भी जीत जाए हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग को कुछ ही नहीं है। बारे में कुछ नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान से हार के इसका कुछ नहीं कर सकते, इनके लिए बस दुआएं कर सकते हैं। सेमीफाइनल में देखते हैं आप पाकिस्तानी टीम को? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, उम्मीद तो अल्लाह के जात से बहुत है, बाकी इनके पर क्या डिपेंड करता है, क्या करते हैं क्या कर पाएंगे ये अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा टीम में किस चीज़ की कमी दिखती है आपको? टीम में फील्डिंग की कमी भी दिखती है। और किसी प्लेयर की? प्लेयर को बस हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश भी ऐसी कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि ना कोशिश कर रहा है। आप चाहते हैं कि सरफराज वापसी आए? बिल्कुल इंशाल्लाह, अगर वापसी आता है तो क्या समझते हैं आप टीम परफॉर्मेंस अच्छा देगी? बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है भाई, उम्मीद 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 और कुछ भी नहीं है। उम्मीद उम्मीद और तुक्का, तुक्का भी तो है, तुक्का वो हारे ये हारे ये हारे वो हारे फिर हम जाए, अल्लाह ताला बेहतर करेगा जो भी आएगा, और हमारी दुआ है दिल से हमें पाकिस्तान आए, पाकिस्तान इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान हमारे लिए आएगा। सर क्या कहना चाहते हैं आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो कल मैच होने वाला, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आज तो अफगानिस्तान जीता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में से कौन जीतेगा आपको क्या लगता है? बांग्लादेश ही लगता है, बांग्लादेश लग रहा है, बांग्लादेश जीत जाएगा, और अगर बांग्लादेश जीत जाता है तो पाकिस्तान के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आप चाहते हैं ख़त्म हो जाए? हकीकत तो यही है, आप यही चाहते हैं? यानी कि दिल खट्टा हो गया, अच्छी टीम गई नहीं है तो कहाँ से जीतेंगे यार? अच्छी टीम कौन सी थी? आसिफ अली था, बगर जमान था, इनको मौका देना, बगर जमान तो गया, खिलाई नहीं रहे उसे, वो अनफिट है मेरे ख्याल से। आप सरफराज की कमी महसूस करते हैं?
मोहम्मद आमिर की, इमाद वसीम, ये टीम थी चैंपियन ट्रॉफी वाली। तो आप चाहते हैं ये लोग वापसी आए, फिर मजा आएगा। पाकिस्तान हार गया, अभी तो बाकी है ना मैच, वर्ल्ड कप हार गया, बगैर खेले हार गया। यार ऐसे कैसे डिसअपॉइंट हो गए आप तो यार, अभी तो बहुत चांस बचा हुआ है। ये हारे वो हारे फला हारे सब हारे सारे मैच हारे और हम जीतते चले हैं। अब ये खैरात ज़कात पे ऊपर जाएगी। तो भाई ये तो हमेशा होता है, मैंने पिछली वीडियो में कहा है। तो अब ये खैरात ज़कात पे गिरते गिराते ऊपर चले जाएंगे बस। यानी कि तवक्को एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ख़त्म। ये वर्ल्ड कप जब ही हार गए थे, जब ये इंडिया से मैच हारे। अच्छा जब ही हार गए थे, ये मतलब ये घर आ जाए बस। आ जाए नहीं करे यार, सपोर्ट करें ना अपनी टीम को आप लोग। अरे भगाओ गलत करो सालों को। अगर ये पहुंच गई टीम ऐसे ही लड़कते भड़कते, फिर क्या कहेंगे आप? वर्ल्ड कप नहीं ला पाएंगे। वर्ल्ड कप नहीं ला पाएंगे क्यों? टीम अच्छी नहीं है, इस काबिल ही नहीं है। पाकिस्तानी टीम से ना सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।